स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट रिएक्शन देखो क्लोरीन है क्लोरीन वाज डिस्कवर्ड बाय सीले इन 1774 सेवनटी फोर सीले था उसने डिस्कवर किया था क्लोरीन गैस को ठीक है क्लोरीन इज डिस्कवर्ड बाय सीलेन इन 1774 और जो इसका नाम था वो रखा था 1810 में डेवी ने और इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बेस पे रखा था जो क्लोरीन होता है उसका कलर होता है ग्रीनिश येलो ठीक है ग्रीनिश येलो जो होता है इसका कलर होता है तो ये क्या है ग्रीक वर्ड है ये क्लोरोस और इसका मतलब होता है ग्रीनिश येलो तो जो क्लोरीन होता है इस गैस का जो कलर होता है ये ग्रीनिश येलो कलर होता है ठीक है तो ग्रीनिश येलो कलर की वजह से इसको क्लोरीन बोलती है तो जिसका नाम क्लोरीन है ये किसकी वजह से है क्लोरोस जो ग्रीक वर्ड है ठीक है उसका मतलब होता है ग्रीनिस कलर ग्रीनिश येलो और इसीलिए इसका नाम क्लोरीन रखा उन्होंने अब है सबसे पहले मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन तो उन्होंने क्या किया ये उन्होंने नहों ऐसे बनाया हुआ है एस सी एल प्लस एम एन ओ टू जैसी HCl और MnO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो बनेगा MnCl2 H2 और यहां से नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है ये अब ये फिर ऑक्सीडाइज करेगा किसको HCl को और ऑक्सीडाइज करने के बाद इससे बना देगा Cl2 और H2 तो फाइनली आपको Cl2 गैस मिल जाएगी ठीक है तो ये पहला मेथड है थ्रू MnO2 ये रिएक्शन को देखते चले जाओ क्योंकि आ, सारी रिएक्शंस नहीं आती है लेकिन हेल्प करेगी आपको समझने के लिए कॉन्सेप्ट इसके बाद है लैब मेथड लैब मेथड में हम कैसे बनाएंगे लैब मेथड के लिए हम क्या करेंगे जो क्लोरीन है आपको क्लोरीन को हमने किस में पास आउट किया सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड के साथ और एम एन ओ टू के साथ ठीक है और कंसनट्रेट एस्ट्रोसोफोर के साथ तो जब आपने इसके साथ रिएक्शन करी तो फाइनली आपको क्या मिलेगा इसमें एन एच एस ओ फोर प्लस एम एन एस ओ फोर प्लस टू एच टू और यहाँ से क्लोरीन गैस मिलेगी आपको ठीक है तो ये जो क्लोरीन गैस है ये किस किस से मिल बन रहा है NaCl, सी एल एम एन ओ टू और कंसनट्रेटेड H2SO4 इन तीनों को मिला के क्लोरीन गैस हमें मिल जाएगी तो ये लैब मेथड है अब इसमें एक वर्ड इसने यूज किया देखो पहले ध्यान रखना NaCl, सी एल एम एन ओ टू एंड कंसनट्रेटेड एस्ट्रोसोफोर अब यहाँ पे जो एक वर्ड यूज किया यहाँ पे इंस्ट्यू टू ये कोई मतलब जानता है इसका क्या होता है ये आपने पहले ही पढ़ा होगा क्लास इलेवेंथ में भी वर्ड यूज हुआ होगा तो कोई जानता है इसका मतलब एनी वन ओके तो चलो मैं बता देता हूं देखो इन इंस्ट्यूट का मतलब ये होता है कि जो केवल जो कंपाउंड केवल कहां पे बनेगा विद इन द रिएक्शन केवल रिएक्शन के बीच में बनेगा बस ना तो स्टार्ट में रहेगा वो कहाँ रहेगा स्टार्ट में और नहीं वो कहाँ रहेगा लास्ट में वो बीच में बनता है बस तो उसे कहते हैं इंसियटिव ठीक है जैसे यहां पे एस सी एल है एस सी एल इन का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने एनएससीएल और एसटोर को ऐड किया तो NaHSO4 बनेगा बन तो तो बीच में बन रहा है इंस्टीटिव रिएक्शन ठीक है इंस्टीट्यूटिव मतलब जो कंपाउंड क्या होगा रिएक्शन के बीच में बनेगा यानी इंटरमीडिएट है ये ठीक है तो लैब मेथड समझ में आ गया सबको यस सर ओके अब देखो इसमें रिएक्शन ही रिएक्शन है ज्यादा तो हम रिएक्शन को ही देखते चले जाएंगे पहले दूसरा इसमें है पोटेशियम परमैग्नेट मैगनेट यानि के एम एन ओ फोर तो के एम एन ओ फोर है और इसमें अगर हमने एस सी एल को मिक्स किया है तो यहाँ से क्या बनेगा देखो के सी एल प्लस एम एन सी एल टू प्लस एच टू प्लस सी एल टू तो यहाँ पे एस सी एल से एस सी एल टू मिल जाएगा हमें हाँ ठीक है तो इन जनरल केस में यहां पे अगर आप देखोगे तो के एम एन ओ फोर से आपको दो चीज मिलेंगी H2O और एस सी एल से आपको दो चीज मिलेगी एच टू ओ और सी एल टू ठीक है अब नेक्स्ट देखते पोटेशियम डाइक्रोमेट ये अभी आप प्रैक्टिकल में भी पढ़ोगे आप अभी आप प्रैक्टिकल करोगे तो ये दोनों कंपाउंड आपको मिलेंगे उसमें सीआर टू सेवन के टू सीआर टू सेवन पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम पर और ये डी ब्लॉक में भी है एस सी एल से हम रिएक्शन करेंगे तो बनेगा के सी एल प्लस थ्री तो ये से मिलेगा दोनों और एस सी एल से बनेगा आपके पास जनरली एच टू ओ और सी एल टू ठीक है तो ये आपके रिएक्शन हो गए क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एजेंट होते हैं तो यहां से ऑक्सीजन देंगे ये ऑक्सीजन देंगे तो जो एस है ये टूट जाता है इसमें टूटेगा एस में और सी में ठीक है इसके बाद आता है इसमें ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर है सी ए सी एल टू प्लस टू एस सी एल तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी सी एल टू से क्या बनेगा सी ए सी एल टू और एस सी एल से क्या बनेगा एस टू ओ एंड सी एल टू ठीक है तो ये रिएक्शन हो जाएगी ब्लीचिंग पाउडर वाली ब्लीचिंग पाउडर के बाद आता है नेक्स्ट लेड डाइऑक्साइड लेड लेट डाइ मतलब पीबीओ टू पीबीओ टू प्लस एस सी एल तो ये क्या बनेगा गि एच के सी एल सॉरी पीबी है न तो पी बी सी एल टू इसी का क्लोराइड बन जाएगा प्लस इससे क्या बनेगा एच टू ओ एंड सी एल टू ठीक है तो ये बन जाएगा लेड डाई क्लोराइड सॉरी ऑक्साइड से लेड डाई ऑक्साइड से पीबी ओ टू से पीबी ओ टू से क्या बना पी बी सी एल टू और एच सी एल से क्या बनेगा एच टू ओ एंड सी एल टू इसके बाद रेड लेड देखो जो Pb3O4 होता है ये मिक्स्ड ऑक्साइड होता है ध्यान रखना मिक्स्ड ऑक्साइड यानी ये दो ऑक्साइड से मिलके बना होता है कौन-कौन से ऑक्साइड से एक बनता है PbO और एक बनता है PbO2 ये पता कैसे चलेगा देखो सबसे पहले अपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है Pb की लेट b x तो यहाँ पे Pb के तीन है तो 3x हो जाएगा प्लस 4 ऑक्सीजन का होता है -2

प्लस टू होगा और यहाँ पे प्लस फोर होगा तो इस तरीके से ध्यान रखना है अब इसमें क्या होगा पी बी थ्री ओ फोर प्लस एस सी एल तो ये बन जाएगा पी बी सी एल टू प्लस एच टू ओ प्लस सी एल टू तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है पी बी से बन गया पी बी सी एल टू एच सी एल से बनेगा एच टू ओ एंड Cl2 बस ओजोन की डिफरेंट है ओजोन में क्या होता है जब आप HCl और O3 के साथ रिएक्शन करोगे तो यहां से एक ऑक्सीजन मिलेगा O3 से मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन ही बनता है बस अब ये ऑक्सीजन इसको दे देगा तो आपको पता है HCl से क्या बनेगा H2O एंड Cl2 ठीक है तो ये आपका रिएक्शन हो गए सारे अब आता है इसमें मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन देखो मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है एस सी एल एक्टाइजर रिड्यूसिंग एजेंट ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है मैन्युफैक्चर मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को लार्ज अमाउंट पे बनाते हो कॉमर्शियल स्केल में बनाते हैं हम उसे कहते हैं मैन्युफैक्चर करना और जब आप जनरल बनाते हो उसे कहते हैं लैब मेथड जब आप थोड़ा मोटर थोड़ा सा बना रहे हो तो उसे कहेंगे लैब मेथड और जब ज्यादा अमाउंट में बनाते हैं उसे कहते हैं मैन्युफैक्चर करना या कॉमर्शियल मेथड मैन्युफैक्चर कहेंगे या कहेंगे कॉमर्शियल तो कॉमर्शियल मतलब आप उसे बेचने के लिए बना रहे हो ठीक है तो जब किसी भी चीज़ को बेचने के लिए बनाएंगे तो ज्यादा अमाउंट में बनाएंगे और उसमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि कॉस्ट कम से कम आए ताकि उसकी जो कॉस्ट होगी वो ज्यादा ना हो इसमें डेकेंस प्रोसेस होता है डेकेंस प्रोसेस में क्या है एस सी एल गैस इज ऑक्सीडाइज बाई एटमोस्पेरिक ऑक्सीजन इन द प्रजेंस ऑफ सी यू सी एल टू एज कैटलिस्ट देखो आगे देखते हैं इसमें रिएक्शन तो इसमें यह रिएक्शन है एच सी एल प्लस ओ टू और इसमें जो कैटलिस्ट यूज किया है वो किया है सी यू सी एल यानि एस सी एल प्लस इसमें एटमोसफियर ऑक्सीजन है क्योंकि एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा होगी इसी को हम यूज करेंगे सी यू सी एल टू कैटलिस्ट है और टेम्परेचर uh, ले लिया सेवन ट्वेंटी थ्री तो यहाँ से क्या बनेगा सी एल टू प्लस एच टू बनेगा सी एल टू प्लस एच टू और अभी हमने देखा था अच्छा ऑक्सीजन तो है ये तो ये ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइंड होता है तो एच के साथ एच टू बन जाएगा और सी एल टू ये बन जाएगा तो सी एल टू गैस बन गई तो पहला है ये इसे कहते हैं डेकन प्रोसेस सेकंड है Second, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना ये में क्या होगा दो तरीके से हम इसे कर सकते हैं पहला क्या है ब्राइन के आपने क्लास में पढ़ा होगा ब्राइन सौलूशन. ब्राइन सौलूशन में क्या होता है जब आप एन में एच को मिक्स करते हो मतलब इसे कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन अब अगर आप यहां पे इलेक्ट्रिसिटी दे दो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रिसिटी देंगे हम तो क्या होगा ये ब्रेक डाउन होता है NaOH में प्लस H2 प्लस Cl2 तो यहाँ से Cl2 गैस मिलती है ठीक है तो ये जो प्रोसेस होती है ये होती है क्लोर एल्कली प्रोसेस अगर आपको याद हो तो क्लास टेंथ में था ये क्लोर एल्कली प्रोसेस इसमें क्लोर क्यों कहते हैं क्योंकि क्लोरीन बनता है एल्कली क्यों कहते हैं क्योंकि ये अल्कली बनता है एनएच बनता है बेस बनता है ठीक है अब इसमें होता है क्या है इसमें ये होता है अब हमने इसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा कि जैसे एन ए सी एल है तो आपको पता है एनए सी एल क्या होगा एन ए प्लस और सी एल माइनस में टूट जाएगा सोल्यूशन लिया है तो वाटर भी टूटता है एच प्लस में और ओ एच माइनस में अब देखो मेन होती है इसमें सीएल माइनस और ओ एच माइनस में से तो कौन मूव करेगा ठीक है तो इसमें कौन मूव करता है सीएल माइनस मूव करता है तो सी एल माइनस क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन कर, लूज करता है सॉरी क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन इसमें फालतू है तो ये सी एल बन जाता है और दो सी एल आपस में कंबाइंड होके सी एल टू बन जाते है. आपको बताया भी था ये प्राइमरी चेंज होता है जो पहला स्टेप का है और सेकेंड का होता है सेकेंडरी चेंज तो यहाँ पे क्लोरीन गैस मिल जाती है अब ये माइनस साइन है तो प्लस में जाएगा और प्लस क्या है हमारे पास एनोड यानी ये हमें कहा मिलेगा एनोड में तो ये लार्ज अमाउंट में मिलता है ठीक है और इसके अलावा दूसरी चीज है जैसे एन प्लस है तो एन प्लस है तो ये कहाँ जाएगा माइनस की तरफ यानी आपको कैथोड में मिलेगा अब जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लूज किया था वो इसे गेन करेगा और ये डिपोजिट हो जाएगा कैथोड में ठीक है तो ये प्रोसेस है अब एक और प्रोसेस है इसमें अगर आपने इसे कहते हैं डॉन प्रोसेस इसमें क्या होगा कि आपने एनए सीएल ले लिया बस केवल एक्वस नहीं लेना और इसी को फ्यूज कर दो इसको हीटिंग कर दो बस एक्वस मत लो फिर ये होगा क्या एनए प्लस और एल माइनस यहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी देनी है आपने इलेक्ट्रिसिटी तो देंगे तो कैथोड एनोड होगा तो प्लस कहां जाएगा Method की तरफ और माइनस कहां जाएगा एनोड की तरफ फिर ये वही रिएक्शन हो जाएगी ठीक है तो ये तीन मेथड है जिससे हम इसे बना सकते हैं इसमें कोई डाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बताओ यस yes, नो no. ओके okay. अब देखो इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे कि इस बेस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं ठीक है रिएक्शन से कम आते हैं लेकिन उसको देख लो आप एक बार अब इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन आपको पता अभी ग्रीनिश येलो गैस है पंगजेंट स्मेल होती है इसकी सफोकेटिंग ऑर्डर होता है इसका और ये एयर से 2.5 टाइम्स हैवियर होती है और ये जल्दी से लिक्विफाइड हो जाती है ग्रीनिश येल्लो लिक्विड में और बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका टू थर्टी नाइन कैलबीन वाटर में सॉलिबल होता है अब है केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट है केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन विद मेटल नॉन मेटल एंड मेटल वाइट अगर मेटल से रिएक्शन करेंगे तो ये सिंपल होता है देखो एनए की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है प्लस वन क्लोरिन की माइनस वन कंबाइंड कर दो एन बन जाएगा जैसे आपने दूसरा कोई मेटल ले लिया एम ले लो आप एम जी प्लस सी एल टू तो आपको पता है कि एम जी की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू क्लोरिन की माइनस वन से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो बन जाएगा एम जी सी एल टू ठीक है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए जैसे एल प्लस टू अब आपको पता होना चाहिए कि ए एल का जो वैलेंसी है थ्री होती है क्लोरीन की माइनस वन होती है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इससे तो ये बन जाएगा ए एल सी एल थ्री ठीक है ऐसे आयरन ले लिया अगर आपने आयरन है प्लस सी एल टू तो क्या होगा आयरन की वैलेंसी जनरली थ्री ज्यादा स्टेबल होती है इसकी माइनस वन तो ये दोनों क्रॉस मल्टीपल हो जाएंगे तो बन जाएगा एफ ई सी एल थ्री ठीक है तो ये मेटल के साथ हो गया दूसरा इसमें आता है नॉन मेटल के साथ जैसे P4 फोर प्लस सी तो P 15 ग्रुप का मेंबर होता है तो ये कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है ये कर सकता है प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव ठीक है और माइनस थ्री तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो ये पी सी एल थ्री इसमें क्वेश्चन भी आता है आपके पास कि पी सी एल फाइव लेस स्टेबल होता है ठीक है अगर आप हीट करोगे तो ये पी सी एल थ्री में टूट जाएगा और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है। तो उसका क्या है कि कि स्ट्रक्चर होता है कि जब आप पी को बनाओगे तो इसमें तीन सी एल ऐसे लगे होते हैं और दो Cl ऊपर लगे होते हैं तो ये रिपर्सन की वजह से जो ऊपर वाले सीएल होते हैं ये जो सी एल होते हैं ये वाले ये क्या होते हैं वीक होते हैं क्योंकि ये तीन के तीन एटम होते उसे क्या कहते हैं रिपल्स रिपेल कर रहे होते हैं तो ये टूट जाते जल्दी और ये किस में चेंज हो जाता है पी सी एल थ्री में और सी एल टू में तो पी सी एल थ्री बनेगा पी फोर प्लस सी एल टू बनता है पी सी एल थ्री दूसरा सल्फर के साथ करेंगे तो सल्फर के साथ बनता है एस एट प्लस सी एल टू ये बनता है एस टू सी एल टू और आर्सेनिक है मेटल वाइट अगर मेटल वाइट के साथ करेंगे तो ये बनेगा आपका आर्सेनिक प्लस सी एल टू गिफ्ट आर्सेनिक कौन से ग्रुप का मेंबर होता है ये भी फिफ्टीन ग्रुप का मेंबर होता है तो ये भी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव और माइनस थ्री तो यहाँ पे ये आ, थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा यानी ए एस सी एल थ्री ठीक है तो फाइव भी कर सकता है लेकिन जो प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी होती है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होने लगती है कम होने लगती है प्लस थ्री बढ़ती जाती है ये आपको मैंने फिफ्टीन uh, ग्रुप में बताया था तो उसको ध्यान रखना कि जब आप प्लस थ्री जाओगे तो इंक्रीज होती है ऑक्सीडेशन स्टेट और प्लस फाइव डिक्रीज होने लगती है तो ये हो गया रिएक्शन विद मेटल

क्लोरस एसिड हाइपो क्लोरस एसिड अब ये होता क्या है वीक है ठीक है ये वीक एसिड होता है ये बहुत वीक कल हमने डिस्कस किया था तो वीक होता है तो ये टूट जाता है फिर से जो एच ओ सी एल है ये फिर से टूटेगा एस सी एल में और यहां से क्या मिलता है आपको नेसेंट ऑक्सीजन अब ये नेसेंट ऑक्सीजन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा ठीक है यानी उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और दूसरा लॉजिक मैंने आपको क्या बताया था कि अगर जनरली आपको सीएल देखना है तो सीएल क्या करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जिसके खुद का क्या होता है रिडक्शन होता है और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अब क्लोरीन होता है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होती है तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से गेन करेगा इसीलिए क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो इसको ध्यान रखना ऑक्सिडाइजिंग एजेंट का रीजन क्या है ऑक्सीडेशन नंबर से या इलेक्ट्रॉन के गेन करने के टेंडेंसी से ठीक है तो और थ्योरिटिकल ये रीजन है इसका तो ये नेसेंट ऑक्सीजन होता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है अब इसकी वजह से ये सबको क्या कर सकता है रिड्यूस कर सकता है रिड्यूस की टेंडेंसी सबकी एक ही है जैसे Fe2+ है तो उसे किस में चेंज करेगा Fe3+ में ठीक है अगर S है एस प्लस फोर है तो इसे किस में चेंज करेगा एस सिक्स में चेंज कर देगा ठीक है और इसके अलावा आयोडीन है आपके पास आयोडीन में जीरो चार्ज है इसको चेंज कर देगा प्लस फाइव में ठीक है ये कुछ याद करने पड़ेंगे आपको अगर सल्फर है एस टू माइनस तो ये सल्फर में चेंज करेगा ये कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा सबका एक ही काम है सबकी रिएक्शन सेम है सिर्फ चेंज कहाँ पे होगा जो एजेंट आपने लिया है उसको चेंज कर दो बस बाकी सारी रिएक्शन एक जैसी होगी कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका काम यही है कि एफ टू प्लस लिया आपने तो उसे थ्री में ही चेंज करेगा अगर सल्फर को लोगे आप प्लस फोर में तो प्लस सिक्स में चेंज करेगा आयोडीन को ले लो आप उसे प्लस फाइव में चेंज कर देगा सल्फर को ले लो आप माइनस टू को वो सल्फर में चेंज करेगा यानी जीरो में ठीक है अब देखो वन बाय वन रिएक्शन भी देख लेते हैं जैसे जनरली आपको रिएक्शन दे देंगे FeSO4 ई Fe फोर तो एफ का मतलब ध्यान रखना प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है एफ ई की ठीक है अब इसमें एसिड मिला दिया एस टू सॉरी प्लस सी एल अब ये किस में चेंज होगा प्लस थ्री में तो प्लस थ्री के लिए क्या बनेगा एफ ई टू का होल थ्राइस ठीक है तो एक कंपाउंड तो ये बन गया इससे प्लस अब ये दोनों मिलके देखो एच टू और सी एल टू मिलकर अभी हमने देखा कि सी एल टू मिलकर क्या बनेंगे एस सी एल बना देंगे ठीक है तो ये एस टू ओ प्लस सी एल टू मिलकर क्या बन जाएगा एस सी एल और जो इससे नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे प्लस थ्री हो जाएगी ठीक है तो इसका ध्यान रखना आपने कोई भी रिएक्शन होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उसमें यही होगा प्लस टू से प्लस थ्री फिक्स सही अब ऐसे देखो सेकंड वाला आपको दिया है Na two Na two SO three plus Cl two plus H two तो आपको पता है कि जो Cl two और H two है ये दोनों मिलके क्या बना देंगे HCl बना देंगे ठीक है अब ये यहाँ से ऑक्सीजन देगा वो ऑक्सीजन किसके साथ ऐड हो जाएगा Na two SO three के साथ तो बन जाएगा Na two SO four पर

माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो सल्फर का ऑक्सीडाइज कर दिया तो so, यानी पूरा कंपाउंड देख सकते हैं ठीक है लेकिन मेन क्या है सल्फर है क्यों देख रहे हैं क्योंकि सोडियम का प्लस वन यहाँ पे भी है प्लस वन यहाँ पे भी है ऑक्सीजन का माइनस टू यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी माइनस टू है तो so, जो चेंज होता है उसी को हम कंसीडर करते हैं जो सेम रहता है उसे कंसिडर नहीं करते नहीं तो आपको लगेगा इतना बड़ा कंपाउंड है तो हम कैसे देखेंगे तो आपको केवल उस कंपाउंड को देखना है जो वेरेबल वैलेंसी शो करता है ठीक है तो ऐसी है थर्ड वन देखो फिर ये है आपका Na2 S2O3 ठीक है प्लस सी एल टू प्लस एच टू तो जैसे आपने देखा सी एल टू प्लस एच टू इन दोनों को मिलके क्या बनता है एस सी एल बनता है अब ये ऑक्सीजन यहाँ दे देगा अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इस सल्फर के सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे टू इंटू वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री इन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो क्योंकि ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो जीरो अब देखो टू प्लस टू एक्स और माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो तो क्या होगा टू और सिक्स में से करेंगे तो क्या होगा टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है प्लस टू है अब जब प्लस टू है तो ये प्लस टू से ज्यादा होगा यानी प्लस फोर या प्लस सिक्स ठीक ध्यान रखना और ज्यादातर ये प्लस सिक्स को प्रिफर करता है ठीक है क्योंकि हाईएस्ट में जाना चाहिए तो क्या होगा ये बन गया आपके पास एनएच फोर अब यहाँ पे आप एस का निकालोगे तो प्लस सिक्स आ जाएगा ठीक है तो प्लस टू से प्लस सिक्स में पहुंच जाएगा या प्लस फोर से प्लस सिक्स में पहुंच जाएगा तो आप समझ जाओगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो जो दूसरा एजेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है ठीक है तो इससे रिएक्शन को याद करना आसान हो जाएगा ठीक मेन क्या है सारा कॉन्सेप्ट इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का है बस बाकी कुछ नहीं है जैसे मैंने आपको ये नेक्स्ट रिएक्शन दे दी फोर्थ वन देखो आप खुद भी रिएक्शन बना सकते हो आप जैसे एसओ टू है अब इसमें प्लस सिक्स होना चाहिए ये जो भी कंपाउंड बनाएगा अब प्लस सिक्स होना चाहिए ठीक है तो प्लस सिक्स के लिए हम क्या करेंगे एस टू एसओ फोर है एच टू एसओ फोर में प्लस सिक्स हो गया और दूसरी चीज हमने क्या ली यहाँ पे एच टू ओ प्लस सी एल टू तो एच टू ओ प्लस सी एल टू अगर कहीं पे भी आता है दोनों मिलके क्या बना देते हैं एस सी एल बना देते हैं तो ये कंपाउंड बन गया आपका ठीक है तो कुछ कॉन्सेप्ट अगर आप करोगे खुद अपने आप रिएक्शन बना लो आपको याद नहीं करनी पड़ेगी ठीक है तरीका अगर आप सीखोगे तो प्रोग्रेस करोगे इसीलिए हर बार क्या करते हैं हम लोग उसको चीजों को देखते चले जाओ ताकि आपको आ, वो ना करना पड़े क्या याद ना करना पड़े खुद अपने एक बार में नहीं आता ये जैसे मैंने कहा आयोडीन आई है तो आपने पता चल गया आयोडीन का जो फ्री स्टेट में होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है ठीक है अब जीरो से हाईएस्ट में जाएगा या तो प्लस सेवन में जाएगा या प्लस फाइव में जाएगा बस दो ही स्टेप है

ओ के तीन कर दो तो थ्री टू जो सिक्स तो एच आई ओ थ्री बन गया प्लस एच टू ओ प्लस सी अब एच टू ओ प्लस सी एल से पता है आपको कि क्या बनेगा एस सी बनेगा तो ये बन गया एच आई ओ थ्री और एस सी तो ये रिएक्शन बन गई आयोडीन की ठीक है तो इस तरीके से इसे कहते हैं आयोडिक एसिड आयोडिक एसिड नहीं तो हाईएस्ट वाला बनाता है लेकिन जो बड़े कंपाउंड होते हैं उसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है उसका रीजन क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि दो इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस बाउंड अप कर लेता है जो बड़े कंपाउंड होते हैं ठीक है ऐसे देखो एच टू एस एच टू एस का मतलब क्या देखो इसका मतलब एस में माइनस टू चार्ज है तो ये माइनस टू से किस में चेंज करेगा जीरो में चेंज करता है माइनस टू से जीरो में चेंज हो जाएगा और दूसरी चीज हमने क्या ली एस टू प्लस सी एल टू ले लिया तो आपको पता है एस एस टू टू प्लस सी सी एल एल क्या करेगा HCl बना देता है तो इसकी रिएक्शन हो गई एस टू एस प्लस एस सी एल ठीक है तो ये है तरीका याद करने का ऐसे इसे करते चले जाओ एन ए एन ओ टू है प्लस एच टू ओ प्लस सी एल टू है तो आपको पता है एस टू और सी एल टू क्या मिलकर बनाएंगे एस सी एल बना देंगे अब ये ऑक्सीजन यहां देंगे ये ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन मत कराओ ऑक्सीडेशन स्टेट देखो देखो इससे वन और इसका टू टूर्जा फोर यानी माइनस फोर तो ये प्लस थ्री हो गया अब प्लस थ्री से कहा जाना चाहेगा ये प्लस थ्री है प्लस थ्री से कहा जा सकता है प्लस फाइव तक जा सकता है इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए तो यहाँ पे प्लस फाइव तक जा सकता है

ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसकी प्लस थ्री है क्योंकि एक की वन है तो तीन की तीन हो जाएगी। इसको मान लो, और ऑक्सीजन की माइनस टू जीरो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये आर्सेनिक लिया इसमें आपने प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया जो एन ए थ्री ए एस ओ थ्री है प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है आपको पता है कि आप प्लस थ्री से प्लस फाइव में जाना हंड्रेड परसेंट प्लस फाइव कैसे जाएगा ठीक है Na3, तो को बढ़ा दो आप अब 4, 2, हो गया और एट में से थ्री गया फाइव तो ये प्लस फाइव शो करेगा और बाकी के दो जो है एच टू ओ प्लस सी एल टू इससे मिलकर क्या बनेगा एस सी एल बनेगा तो ये तरीका है इसको बनाने का ठीक है आप किसी भी कंपाउंड को चेंज कर सकते हो तो ये हो गया आपका एक तरीका अब देखो ब्लीचिंग एक्शन ये हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि जहां पे नेसेंट ऑक्सीजन होगा वो ब्लीचिंग एक्शन शो करता है जैसे एच टू प्लस सी एल टू प्लस एच टू तो अभी हम कई बार कह रहे थे एस सी एल बनता है और यहां से एक नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है तो जो ये नेसेंट ऑक्सीजन होता है ये किसी भी कलर्ड को कलर्ड सबिस्टेंस को किसमें चेंज कर देगा कलरलेस में चेंज कर देगा कलर टू कलरलेस इसी को हम ब्लीचिंग एक्शन कहते हैं ध्यान रखना ब्लीचिंग एक्शन का मतलब किसी भी कलर्ड चीज को कलरलेस में कर देना उसे कहते हैं एक्शन एक्शन ठीक है तो ब्लीचिंग में कौन मेन काम कर रहा है ऑक्सीजन इस निसेंट ऑक्सीजन की वजह से ऐसा हो रहा है अगर वो कहेंगे कि ड्राई गैस ड्राई सी एल टू तो ये ब्लीचिंग एक्शन का काम नहीं करेगा क्योंकि उसमें ये नेसेंट ऑक्सीजन नहीं निकलेगा ये कब निकलेगा जब आप इसे वेट कर दोगे मॉइस्चर के में एक्वस के प्रजेंस में ये कब एक्वस होना चाहिए या मॉइस्चर होना चाहिए ठीक है वाटर के साथ होना चाहिए तब जाके ये पावरफुल ब्रीचिंग एजेंट का काम करता है इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैंने आपको बोला था कि बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है ये देखो इसके आगे मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि जो क्लोरीन होता है क्लोरीन शो परमानेंट इफेक्ट क्लोरीन है जो वो परमानेंट एक्शन शो करता है लेकिन टू करता है क्यों ठीक है एसो टू में भी ब्लीचिंग एक्शन होता है लेकिन एसओ टू करता है और परमानेंट करता है क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे ठीक है तो इसका आंसर मैंने बता दिया था आपको कि एसो टू क्यों करता है क्योंकि तो जो इसमें प्रोडक्ट बनाता है वो आ, वो क्या होता है फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है तो इसमें जो एसओ टू होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है तो जैसे आप हवा में रखोगे वो तुरंत क्या करेगा ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर ऑक्सीडाइज हो जाता है और फिर से दोबारा क्या होगा वही कलर आ जाएगा लेकिन सीएल टू में ऐसा नहीं होता है सीएल टू कौन सा एजेंट का काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो ये अब फर्दर ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता है ठीक है इसीलिए क्लोरीन होता है जो ये परमानेंट इफेक्ट शो करेगा यानी अगर आपने क्लोरीन से ब्लीचिंग कराया तो परमानेंट होगा और अगर एसओ टू से कराया तो क्या होगा टेम्प्रेरी होगा ठीक है अब बाकी क्या है इसमें एच टू प्लस सी एल टू तो हमने कई बार रिएक्शन करी है पहले ही कि एच टू प्लस सी एल टू करेंगे तो एस बनेगा और ये टर्पेनाइल टर्पेंटाइल ऑयल है जो उसमें अगर हम सी डा, डालेंगे तो एस बनेगा और कार्बन बनता है सी टेन एच सिक्सटीन ऑयल अगर इसमें हमने क्या डाला सी एल टू तो ये बनता है एस सी एल और कार्बन ठीक है और इसमें लास्ट है रिएक्शन विद अमोनिया ये रिएक्शन भी हमने पहले पढ़ी हुई है कि अगर अमोनिया एक्सेस में हुआ तो दूसरा कंपाउंड बनता है ठीक है अगर अमोनिया एक्सेस में है तो बनता है एनएच फोर Cl और N2 और अगर क्लोरीन एक्सेस में क्लोरीन एक्सेस में दे दी उन्होंने तो दूसरा कंपाउंड बनता है इसमें जो मेन बनेगा वो बनता है NCl3 और एस ठीक है तो ये आपका अमोनिया के साथ है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसमें और ये वाली भी रिएक्शन हमने कल ही पढ़ी थी ठीक है कौन सी रिएक्शन थी इसमें जब Cl2 NaOH मैंने कहा था इसमें अगर डाइल्यूट होगा और कोल्ड होगा तो दूसरा ही कंपाउंड बनता है इसमें बनेगा NaCl NaOH NaOCl H2O और अगर आपने यही रिएक्शन को क्या किया हॉट एंड कंसंट्रेटेड में कर दिया NaOH को हॉट एंड कंसंट्रेटेड में तो दूसरा ही कंपाउंड बनेगा ये बन जाएगा NaCl और दूसरा बनता है एन ए सी एल ओ थ्री क्लोरेड बनता है प्लस एस टू तो यहां पे डिफरेंस आ जाता है इसे कहते हैं रिएक्शन, जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक का ही रिडक्शन हो जाएगा ठीक है एक का ही रिडक्शन उससे कहते हैं डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन देखो सी का माइनस वन तो रिडक्शन और सी एल का प्लस फाइव यानी ऑक्सीडेशन तो इसे कहते हैं दिस प्रोपोर्शनल रिएक्शन ठीक है तो क्लोरीन खत्म होता है अपने रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे विद टाइम खत्म हो गया